हेलो दोस्तों, आप सबका न्यू गवर्नमेंट जॉब चैनल में स्वागत है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है हमारी आरपीएफ कांस्टेबल का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आपको पूरा वीडियो समझ आएगा। देखिए, आपको अपना ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर टाइप करना है आरपीएफ ऑनलाइन और इसको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे आपको देखिए ये आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2018 ये जो लिखा हुआ है, इस साइट पे आपको क्लिक करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, आपको रेलवे के ऑफिशियल पेज पे आ जाएंगे जो आरपीएफ प्रोटेक्शन फोर्स का है। उसमें आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए यहाँ पे कॉल लेटर का एक ऑप्शन होगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने एक दूसरा नया पेज ओपन हो जाएगा। इसमें स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करके देखिए यहाँ पे ग्रुप ई का एग्ज़ाम शुरू हो गया है, तो आपको यहाँ पे ग्रुप ई का एडमिट कार्ड मिलेगा। इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए नया पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कॉल लेटर लॉगिन ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। तो इसको स्क्रॉल डाउन करके आपको यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर भर देना है जो कि आपने फॉर्म फिलअप करने के वक्त आपको मिल गया होगा। यहाँ पर नीचे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो कि आपकी डेट ऑफ बर्थ है वही आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद लॉगिन कर देना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा, उसमें आपका एडमिट कार्ड आपको दिखेगा। उसमें उधर ही आपको आपकी जो एग्ज़ाम की डेट है वो भी आपको वहाँ पे दिखाई देगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें इस वीडियो को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।